बेतवा नदी पर बाहरी खनन माफियाओं की घुसपैठ, ग्राम लखार व कंजिया में अवैध रेत खनन, प्रशासन ने बांधी आंखों पर पट्टी। चुनाव में प्रशासन की व्यस्तता का फायदा उठाकर बाहरी रेत खनन माफिया फिर से सक्रिय हो गए और बेतवा नदी पर मशीनें लगाकर रेत माफिया नदी का सीना छलनी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाख चेतावनी के बावजूद भी रेत माफिया खनन करने से बाज नहीं आ रहे, जिन्हें ना तो प्रशासन का डर है और ना ही कानून का खौफ। भानगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लखार में बेतवा नदी के नाही घाट पर एवं ग्राम कंजिया में पुल के पास बाहरी रेत माफिया बड़ी मशीनें लगाकर रेत का खनन कर सरकार को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं, जबकि मामले में विधायक महेश राय पहले भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं और अब विधायक ने सागर कलेक्टर व खनिज मंत्री से शिकायत की है। ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन व खनिज अधिकारियों को खनन की जानकारी न हो। आखिर रेत माफियाओं को ऐसे कौन से आकाओं का संरक्षण प्राप्त है जिन्हें ना तो मुख्यमंत्री की चेतावनी की परवाह और ना ही विधायक की शिकायतों का डर है। कंजिया के साथ लखार भी है। पिछले लगभग 15 दिनों से कुछ बाहरी व्यक्ति बीना में आके अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं, ये जानकारी हमें मिली थी। और बीच में खनिज इंस्पेक्टर से भी मैंने शिकायत की तो एक दो घाटों पे उसने छापा भी मारा था, एक नाव भी जला दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी उन अवैध उत्खनन करने वाले लोगों के इतने हौसला बुलंद हैं कि वो प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। तो आज या कल में ये जानकारी मेरे पास आई, इसके बाद मैंने कलेक्टर सागर को भी शिकायत दर्ज कराई कि बाहर के लोग आके बड़ी संख्या में अवैध उत्खनन कर रहे। साथ में कल शाम को मैंने मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बिजेंद्र प्रताप सिंह जी से भी बात की थी और यहाँ के जो अवैध उत्खनन के विषय में मैंने शिकायत दर्ज कराई थी। उनने हमें आश्वासन दिया कि विधायक जी हम बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई कराएंगे और बाहर के लोग हैं और अब तो स्थिति ये है कि जो दिन में भी अवैध उत्खनन वो करने लगे, पहले तो कुछ डर था और रात को करते थे। और बीना में भी प्रेस के माध्यम से बहुत शिकायतें और पेपर में न्यूज़ें भी काफ़ी आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी काफ़ी शिकायतें दर्ज हुई हैं, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी उनकी शिकायत दर्ज हुई हैं। तो एक दो दिन में हम इंतज़ार करते हैं, उनके खिलाफ़ हम कार्रवाई कराएंगे।